किसान यूनियन एकता उग्राहां ने पातड़ा शहर विच खाद दे कुछ विक्रेतावां ते खाद नूं वध पा ते वेचण अते घग्गा दी अनाज मंडी विच कुछ व्यापारियां वल्लों उत्तर प्रदेश तों सस्ती जीरी लिया के सरकारी पा ते वेचण दे दोष लगाए हन। प्रशासन वल्लों इन्हां विरुद्ध कारवाई ना करन ते किसानां ने पातड़ा चंडीगढ़ मार्ग ते धरना लगा के आवाजाई नूं बंद कर दिता, जिस नाल कि सड़क ते वाहनां दीआं लंबीआं कतारां लग गईआं। किसान यूनियन एकता उग्राहां दे ब्लाक प्रधान अमरीक सिंह घग्गा, जिला प्रधान मनजीत सिंह नियाल अते रघवीर सिंह दी अगवाई विच आगूआं ने कहा कि जदों तक इन्हां जमाखोरां खिलाफ कारवाई नहीं हुंदी उदों तक उन्हां दा इह धरना जारी रहेगा। ब्लाक प्रधान अमरीक सिंह घग्गा जो कि अज जाम लाया सी ने, परसों असी एक सपातड़ा दे विच एक लाला रे खाद है जिहड़ा वो 1250 का DAP बेच रहा थी। असी महकमे नूं शिकायत की परसों, वो कहना भी सवेरे सानू एप्लीकेशन दे दो, ये 420 का केस, इहदी सारी खाद है जिन्नी सील करके असी कार्रवाई कर देंगे। कल नूं असी 9 बजे एप्लीकेशन भेजी, भेज के वह कहना प्रधान जी मैं हुणे कार्रवाई करदा ते परचा हुणे दबाउणा, इहदा जिहड़े गोडाउन ने सारे सील कर दें। उस तो बाद 9 बजे तो बाद जब असी इन्हां नूं फोन करिया, एक ढिल्लों है डॉक्टर अपना पात्रा ने इंचार्ज समाणे का इंचार्ज, उन्हें एक समय ने मुड़ के साडा फोन नहीं चक्या। असी शाम नूं 6 बजे करिया चीफ नूं, चीफ ने एक होर बंदे की ड्यूटी लाई, मान साहब उत्थे डॉक्टर है उसकी ड्यूटी ला के कहना प्रधान जी मैनू भेजो एप्लीकेशन, मैं फिर करदा जी कार्रवाई। उन्हूं जब सवेरे असी लाया, सवेरे ला के फोन, वह कहना जी जी ढिल्लों ने कार्रवाई करती मैं तो सैन कर दूंगा। असी उन्होंने पूछा ढिल्लों ने भी तुम सानू कह रहे भी कार्रवाई करते हैं, तुम साढ़े बाल च उरे पहुंचे नहीं। कहना मैं कल आया थी, मैं तेनू ये गल कही थी भी सानू मिले बिना यह कार्रवाई नहीं करनी, सानू नाल लेके जाना है। जेडे कि उन्हें कल आके 2 नंबर का माल जिन्ना DAP थी सारे उन्होंने पर खुरद बुरद करा के अज फिर असी ने फोन कराया भी तू आया नहीं, तू कहना थी मैं 2 बजे आना, सानू कहना भी उल्टा 3 बजे तुम मेरे दफ्तर आ जाओ। असी उन्होंने कहा भी 3 बजे असी दफ्तर नहीं आता, साढ़े को आके जिन्हें वे खुरद फुरद कटाउन कराए ने, जोड़ा तुम 420 का मुकदमा कर रहे थे कहने दे करावे वो कराओ आके। वो कहना प्रधान जी तुम आओ, असी उन्होंने जवाब दे भी असी तेरे कोल नहीं आते, असी 3 बजे सड़क जाम करा, जिन्ना चर सा 420 का मुकदमा उस लाले ते नहीं हुंदा। 420 दे मुकदमे तो बाद जिन्हें उन्होंने स्टोर के खाद पई थी वो सील होकर थाने नहीं जाता, उन्ना चर असी जाम चक दे। ट्रक फड़े गए ट्रक फड़िया मोटी जी का, जिहड़ी कि आपां उषा कह लो कोई 26 कह लो, मोटे चावल का जो आम सैलरां दे विच कट्टिया, परसों घग्गे दे विच मंडी दे विच 12-11 बड़े ट्राले उतरे। सानू CAD मिली, वो साढ़े CAD तो बाद पहला हो खुरद बुरद हो गए। एक घग्गे दे लाले घग्गे दे आड़तीए 1100-1200 रुपये जीरी लिया के चुप्पी दे विचों, इत्थे पंजाब दे विच साढ़े घग्गे की मंडी दे विच 1880-1885 रुपये जीरी बेचते हैं, सिरबा 500-600 रुपया साढ़े किसानों चूना लाते हैं, ताकि ये किसान जेड़े इन्हें उधरों लिया के नाले 500 रुपया आमदन होंगी है, नाले सैलर भर लेंगे, जब साढ़े किसान की फसल आऊगी यह किसी ने नहीं चकनी। थाने के मूहरे है, असी कार्रवाई करते हैं, मंग करते हैं भी वह जो बंदा लेके आया है उसके उत्ते परचा होना चाहिए, उसकी सारी जीरी जब्त होनी चाहिए, सरकार के खाते पे कहा कि सानू कल नूं एक किसानी नूं कोई नुकसान ना जाए। बैठा धरना साडा जारी है। उत्थे इस मौके जदों SDM पातड़ा पाली करोड़ा नाल गलबात की गई तो उन्होंने कहा कि खेतीबाड़ी अफसर वालों खाद विक्रेता की दुकान से चैकिंग करते खाद विक्रेता थैले उत्ते लिखे भाते ही खाद वेचता पाया गया, जिस करके कोई कार्रवाई उसके खिलाफ नहीं बनती। जीरी वेचण के मामले से बोलदिया उन्होंने कहा कि इस संबंधी पुलिस ने 4 ट्रक काबू किए हैं, जिसके संबंध में बनती कार्रवाई की जा रही है। रजीव साहब, एक धरना ला रखे किसानों ने भी आ जी, एक तो DAP की ब्लैक हो रही है, ਬਾਕੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਰਿਹਾ।
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਬਲਾਕ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਲ ਹੈ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ 1300 ਚੱਲਦਾ, 1500 ਇੱਥੇ ਖਰੀਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਮੈਂ ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬੈਰੀਅਰ ਲਗਾ ਰੱਖਿਆ, ਕੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ 4 ਟਰੱਕ ਫੜੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ 1 ਟਰੱਕ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਫੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆੜਤੀ ਦੇ ਜਾਂ ਸ਼ੈਲਰ ਦੇ ਮੰਡੀ ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਟਰਾਲਾ ਜਾਂ ਟਰੱਕ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਪਰਮਲ ਆਈ ਨੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਫੀਲਡ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਉਹ ਜੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੀ ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਵੱਢੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜੀ ਦੇਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਤੀ ਵੀ ਲਾ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਟਰੱਕ ਫੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਦਿਖਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਪੁਰ ਮੰਡੀ ਵਗੈਰਾ ਜੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ? ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।